महाकाल वन प्रोजेक्ट हेतु महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 44 किरायेदारों पर मंडराया रोजी रोटी का खतरा। प्रशासन द्वारा महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 44 किरायेदारों की पूर्व में भी दो बार दुकान तोड़कर नाम मात्र की प्रीमियम पर 20 से 25,000 रुपए में दुकान आवंटित की गई थी, किंतु तीसरी बार फिर दुकानों को तोड़कर एक बार फिर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करने का मन मंदिर प्रबंध समिति बना चुकी है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 44 किरायेदारों का कहना है कि हम किरायेदार होकर हार फल प्रसादी की दुकान संचालित कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं और हमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपकी तोड़ी हुई दुकान आपको नए सिरे से फिर से दे दी जाएगी, लेकिन आपको दुकान 25 से 30 लाख में हमसे खरीदनी पड़ेगी। तो आवेदन ले लिया है, हमको भी कुछ बोला नहीं है। अब हम देखो क्या करते हैं, वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं, पर हम इतने सालों से हमारी चार चार पांच पांच पीढ़ी निकल गई दुकानों की। अब हमको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको दुकान नहीं मिलेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब इतने पगड़ी हम दे नहीं सकते, आज हमारे पास ऐसा रोजगार भी नहीं है। लॉकडाउन से लेकर अभी तक फूल प्रसाद भी कुछ चालू नहीं कर रहा, बाकी सब दूर चढ़ रहा है। आज हमारी स्थिति की हम बोली बट्टे को भी तरस जाते हैं, हमारे को हमारे हालत ऐसी ख़राब है कि आज हम दवाई गोली के पैसे भी नहीं ला सकते। 42 दुकान आज गरीब लोग हैं, चौदह को विधवा हैं, ये विधवा हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे इतने सारे। अगर वही दुकान आप दूसरे बाजार है तो हमको दो ना, हम क्या आपके किराएदार नहीं कि हम किराया नहीं भर सकते। सब करते वो जैसा बोलते वैसा ही करते हैं। हमारी अगर कुछ गलती हो तो हमारे को आके बोले, हम नहीं चाहते कि हमारी दुकान हम दूसरे को दें। 90% से अधिक परिवार लगभग 40 से 50 सालों से मंदिर प्रबंध समिति की दुकानों पर किराएदार है और इनमें से कई महिलाएं तो विधवा और बेसहारा है। कई किराएदार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हैं और सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से कई माह तक मंदिर बंद रहा और खुलने के बावजूद अब तक यानी करीबन 7 माह से मंदिर में हार फूल प्रसादी पर प्रतिबंध होने के कारण हमारा व्यवसाय वैसे ही शून्य हो गया है और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में हम गरीब आवेदक 25 से 30 लाख रुपए कहां से लाएंगे। फिलहाल सभी किराएदारों ने मंत्री व विधायक से मिलकर गुहार लगाई है। हम करीब करीब एक हफ्ते से नई दुकान कर इन पेपरों में आ रहा था कि आपकी जो दुकान आवंटित है इसको निरस्त की जाएगी और आपकी जमा राशि आपको वापस दी जाएगी। तो हम इस विषय में प्रशासक साहब से मिलने भी गए। प्रशासक साहब का आश्वासन था कि आपकी दुकान तोड़ी तो जाएगी, उसके बाद में जो नई बनेगी उसको खरीदी जाएगी। अब हम लोग इतने साल से मंदिर के किराएदार हैं तो हम कहाँ से ला के देंगे इतने पैसे।